हेलो गाइस, हरे कृष्णा, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर पे जो है वो सिल्कवर्म रेयरिंग होती है। तो हम लोग रेयरिंग मैक्सिमम ख़त्म हो चुकी है, अभी जो है उनको कोकून स्पिनिंग टाइम चल रहा है। तो स्पिनिंग भी हो ही गई है, उन्होंने स्पिनिंग कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, कोकून्स को जो है वो सेपरेट आउट कर रहे हैं वहाँ से। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे कैसे उन कोकून्स को सेपरेट आउट करते हैं। कोकून्स को डोगरी में जो है वो खुपटी कहते हैं, हम लोग डोगरी में खुपटी कहते हैं उनको। तो उनको हम सेपरेट आउट करेंगे। मैक्सिमम घर वाले अभी कर रहे हैं, तो मैं भी आपको जाके दिखाऊंगी कि वो कैसे कैसे सेपरेट आउट कर रहे हैं, मैं भी करके दिखाऊंगी। सो गाइस, मतलब आज दो दिन उन्होंने हमें दिए होते हैं उसको सेपरेट आउट करने के लिए। तो उसके बाद हमने उसको मार्केट में सेल कर देना होता है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो चलो हम नीचे जाके देखते हैं घर वाले कैसे सेपरेट आउट कर रहे हैं उनको। अच्छा, कितनी कर दी तूने? अभी तो जितनी है उतनी कर दी। दादी, ये देखो गाइस, इस तरह से इन्होंने यहाँ पे स्पिनिंग की होती है। हम थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ, देखो कितने अच्छा लग रहा है। ये देखो कुछ सिल्क वर्म, ये देखो ये कितना प्यारा है। इसने सारों में, ये देखो इसने सारे में ही स्पिनिंग कर दी है पूरे में। कुछ जिंदा भी है गाइस, मैं कुछ सिल्क वर्म दिखाती हूँ जो जिंदा है। नीचे, नीचे। हाँ दिखा रही हूँ, ये देखो ये लार्वीज हैं। इन्होंने भी स्पिनिंग करनी है। बड़े मम्मा को लग गई थी गर्मी, तो हम लोगों ने अपनी जगह जो है वो चेंज कर लिया। हम लोग छाया में आ गए, मम्मी पापा उधर धूप में बैठे हैं। ये देखो हमारे मेहमान, ये भी इधर ही हैं, छाया में बांधे हुए हैं। उनको साफ करना है थोड़ा बहुत। हम लोगों को लग गई थी भूख, तो अब हम सोच रहे हैं कि सब बाद में करें, पहले खाना खा लें, क्योंकि टाइम जो है 11:35 हो गया है। तो बड़ी मम्मा कह रही है कि बड़ी मम्मा तो खा के आई है। बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा रोटी खा के आई है, मम्मी पापा ने हमने नहीं खाई है। तो हम लोग अभी खाना खा के फिर आके फिर दोबारा से ये काम करेंगे। चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सारे नीचे चले गए थे। हमने वो काम वो सेपरेट आउट वगैरह किया। तो वो जो चेकिंग के लिए आते हैं या जहाँ से हमें फैक्ट्री से जो ये सिल्कवर्म जहाँ से हमें मिलते हैं, तो वो चेकिंग करने के लिए आते हैं हर तीसरे दिन। तो आज फिर से आए थे वो, तो उन्होंने हमें बताया कि ये जो है थोड़े कुछ रेडी हो गई हैं और कुछ जो है रेडी नहीं हुई हैं, तो आप इनको साइड पर रख लो। तो मतलब जिनमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो वो अच्छे से हो गई हैं, तो उनको आप निकाल लो। और बाकी जिनमें से आवाज़ नहीं आ रही तो वो अभी रेडी हो रही है अभी, मतलब अंदर का जो उनका
लार्वा है जो वो भी रेडी कर रहा है वो कोकून को। तो काम शाम किया, अभी घर वालों की फरमाइश आ गई है कि हमें चाहिए चाय चाहिए। मैं ऊपर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, थोड़ी सी चाय बनाते बनाते रेस्ट भी कर लूँगी। फिर आज शाम तक तो यही काम चलेगा, कल भी थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो फिर कल का दिन भी लग जाएगा। फिर परसों हम लोग इस काम से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति कर देंगे इनकी। तो फिर मैं चाय बनाती हूँ, फिर चलते हैं नीचे चाय बना के। काम ख़त्म करके मैं घर पे आ गई थी, और ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम हो गया था इसलिए। तो फिर मम्मा और अभी कर रहे हैं, अभी बहुत काम है, अभी कल का दिन भी लगेगा। तो मैं, हमने जो सेपरेट आउट करके जो कोकून साइड पे रखे हुए हैं मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलो आप मेरे साथ। सो गाइज, अभी घर वाले घर पे नहीं है तो मैं आपको ना एक कोकून कट करके दिखाती हूँ, क्योंकि अगर घर वाले इधर आ जाएं तो मेरे को डांटेंगे, बोलेंगे तो नहीं ये हमारी एक खोपड़ी वेस्ट कर दी है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर जो है प्यूपा जो है वो कैसा होता है। थोड़ा आराम से इसको कट करना होता है ताकि हम हमारा प्यूपा जो है उसको कट ना लग जाए या हमारा हैंड जो है वो ना कट जाए। सो इसको मैं थोड़ा सा कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर कैसा है। एक्चुअली इसके अंदर अभी प्यूपा जो है वो बना नहीं है, इसके अंदर जो है वो सिल्क वर्म है अभी। मुझे खुद डर लगता है गाइस, मैं खुद इसलिए आराम आराम से इसको कट कर रही हूँ। ताकि इसको कट ना लग जाए कहीं। देख सकते हो गाइस आप इसके अंदर, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दूँ मुझे मेरे ऊपर ना गिर जाए। दिख रहा है ना? तो अभी इसकी जो है वो मेटामॉर्फोसाइज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्यूपा बन जाएगा और प्यूपा बनने के बाद ये मॉथ बन जाएगा एक बटरफ्लाई जैसी। जिसके भी घर पे अगर मतलब सिल्क वर्म रियरिंग होती होगी उसको पता होगा। और मैक्सिमम जो यहाँ तो सिल्क वर्म या सेरीकल्चर की स्टडी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि इसके अंदर प्यूपा जो है, ये सिल्क वर्म जो है थोड़े टाइम के बाद, एक दो तीन दिन के बाद इसकी इसमें इसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। तो इसमें ये मेटामॉर्फोसाइज होके प्यूपा बन जाता है। प्यूपा बनने के बाद फिर आफ्टर 4 to 5 days के बाद ये एक एडल्ट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये इस मतलब जैसे ये न्यू है, इसको दिखाती हूँ, इसको ऊपर से कट करता है अपने माउथ से और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो वो एडल्ट मतलब जो बटरफ्लाई जैसी मौत जो होती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो फिर मतलब वो एग ले, उसकी लाइफ जो क्या करती है बाहर निकलने के बाद वो एग ले करती है। तो उसका काम जो है वो एग ले करा, तो उनका साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया, ये देखो अभी तो लार्वा ही है। और इस टाइम पे ना ये कुछ खाते भी नहीं है, मतलब बहुत टाइम, आई थिंक 15-20 दिन लग जाते हैं इनको इस टाइम के लिए। लेकिन ये ना इनकी नॉन फीडिंग स्टेज होती है, कुछ भी नहीं खाते इस टाइम, देख सकते हो आप। सो गाइज, अब वीडियो की एंडिंग करते हैं। होप आप लोगों को ये ब्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज, इस वीडियो का टारगेट जो है वो 200 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो मुझे जैसे ही 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय।